गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश ही साक्षी जैन पूछ रही हैं। मेरा प्रश्न ये है कि सब भगवान एक होते हैं, अगर हम किसी को मंदिर जाने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी मंदिर हो आओ, क्या फर्क पड़ता है, तो हम उनको कैसे समझाएं? देखिए, गॉड इज वन का कंसेप्ट आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर ये सही नहीं। हमें सबसे पहले समझना चाहिए गॉड है क्या। गॉड शब्द भी हमारा नहीं है, तो बाहर से आए। भगवान है क्या, और हम भगवान के दर्शन पूजन वंदन के लिए जाते क्यों हैं? भगवान क्या है? हमारी चेतना का विशुद्ध रूप। जैन धर्म के अनुसार किसी अनादि परमात्मा की कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। बाहर ऐसा कोई भगवान नहीं जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा उत्थान और पतन होता हो, जो हमारे अपराधों को क्षमा करता हो या अपराधों के अनुसार हमें दंडित करता हो, ऐसा कोई भगवान नहीं। हम खुद हैं, हमारे भीतर मेरा भगवान है। जो मेरा विशुद्ध रूप है वो मेरा भगवान है, और जो मेरा विकृत रूप है वो मैं हूँ। मुझे विकृति से विशुद्धि की ओर जाना है। बाहर में हमने जो भगवान की मूर्ति स्थापित की है, 24 तीर्थंकर के रूप में जो उन्हें स्थापित की है, वो केवल इसलिए कि उनके माध्यम से हमें हमारे भीतर के भगवान का बोध होता है, पहचान होता है। उनसे हम बीच राखता की प्रेरणा लेते हैं, एक दिशा मिलती है, एक दृष्टि मिलती है, इसलिए हम उनकी पूजा वंदना करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया बंदे तद्गुण लब्धि, तो जिससे हमें आत्मबोध मिले, जिससे हमें परमात्मा होने का एहसास हो सके, जिससे हमें वीतरागता के पथ पर चलने की प्रेरणा मिले, जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान सके, वो मूरत हमारे लिए, जिसके बदौलत हम परम निराकुलता और सुख शांति को उद्घाटित कर सकेंगे। जिस किसी को भगवान मानने की बात ही नहीं है। भगवान वही है जो पूर्ण है, जिसमें पूर्णता है, जो पूर्ण ज्ञानी है, वो भगवान है। जिनकी मूर्ति हमने विराजमान की है केवल इसलिए कि वो हम अपने भीतर के भगवान को पहचान सकें। तो इस भाव से भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, और इस भाव से हम जब पूजा आराधना करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ सार तत्व घटित कर सकेंगे।